एंड मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए. थैंक यू ईच एंड एवरी वन, कीप सपोर्टिंग लाइक दिस. हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल. सो गाइस, आज अभी मैं जा रही हूँ, कटिंग तो हो गई, एंड अपने बालों को एक नया कलर देने के लिए पार्लर जा रही हूँ. तो मैं मिलती हूँ आपसे वहाँ पर. चलो कमेंट करके ये बताना आपको कि वो कलर कैसा लग रहा है, एंड देखते हैं पूरा होने के बाद सेटिंग वेटिंग हो जाएगी जब, तब देखते हैं कैसा लगता है. तो गाइस मैं मिलती हूँ आपसे वहाँ पर. मुझे कलर लगवा लिया मैंने, ग्लोबल लगवाया इसलिए हाईलाइट नो ब्लीचिंग नथिंग, ग्लोबल करवाया तो इस तरह से सारा हो गया है. तो अभी 5 बजे हेयर वॉश होगा, फिर थोड़ी सी मैं ड्रायर सेटिंग कराऊंगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ. फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी कैसा कलर है मेरे बालों का. दैट्स, बारिश का मौसम बन रहा है पूरा, यहाँ पर आप देख सकते हो, और पूरा बारिश का मौसम बन रहा है. और मैं बस घर पहुँचो जल्दी से, टेंशन हो रही है भैया भीगती हुई ना जाऊँ मैं, फटाफट से चली जाऊँ, उसके बाद ही बारिश स्टार्ट हुआ है बस. आ चुके हूँ घर, और आप देख सकते हैं ये जो मैंने कलर कराया है लोरियल का है, 6.02 नंबर है इसका, एंड दिस इज लाइक बरगंजी कलर. एंड अभी वैसे सनशाइन में ज़्यादा हाईलाइट होता है ये कलर. तो यस, अभी आ गई हूँ क्योंकि मैं जल्दी आ गई थी, क्योंकि अभी थोड़े बाल गीले भी हैं इसलिए जल्दी आ गई थी, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी. तो यस, हो चुका है मेरा ये हेयर कलरिंग का काम खत्म. The next day. Hello guys, good morning. मैं अभी उठी हूँ, बेटी का फर्स्ट एग्ज़ाम है, उसको मैंने को छोड़ने जाना है अभी. और देखो आपका आवाज़ आओगे, रमन केस पे जा रहा सुबह सुबह. अरे यार, तो छोड़ के आना है, लेके भी आना है मुझे, और से रेडी हो जाती हूँ. वो भी नहाने गई है अभी, और फिर रमन बिजी है इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा, और लेने भी मुझे जाना पड़ेगा. तो बस अच्छे से पेपर हो जाए उसका. चलिए चलो गाइस, मिलती हूँ बाद में आपसे. मैं उसके लिए जो खाएगी वो बना दूंगी. तो चली गई है बेटी, उसका मे बी 10 o'clock एग्जाम स्टार्ट है. तो गाइज, आपको कलर दिख रहा है क्या? बरगंडी. बिकॉज मैंने क्या है, ब्लीच नहीं करवाया, क्योंकि मैं सोच रही थी मिक्स कलर होगा तो अच्छा लगेगा, लाइक ब्राउन एंड बरगंडी दोनों. तो वही कलर आ रहा है मेरे बारे में, मुझे अच्छा लग रहा है. बट तो सनशाइन में आपको दिखाऊंगी किस तरह से लग रहा है, बट परफेक्टली ऑल राइट फॉर मी. तो यस, बिकॉज नीचे जो मेरे ब्राउन हेयर थे ना, वो भी साथ में मिक्स हो रहे हैं, एंड यहाँ आपको दिख रहा होगा बरगंडी कलर दिख रहा है आपको. तो यस गाइज, तो मुझे थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ा सा अच्छा लगा, वो ब्राउन एंड ऑल वो नहीं चाहिए था, अभी थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर थोड़ा टाइम बाद और कुछ अलग सा करा लूँगी. तो यस गाइज, मैं आज जा रही हूँ, जूडियो है शायद वो, राइट जूडियो, राइट, या ट्रेंड्स में कहीं तो जाऊँगी, क्योंकि जो पजामाज एंड ऑल है ना, वो बच्चों के लिए लेने हैं, वो है नहीं, बिकॉज अभी रेनी सीजन स्टार्ट हो गया ना, तो शॉर्ट्स वगैरह नहीं डाल सकते, तो लेग्स पेन होती हैं, तो इवन मेरा भी ऐसा ही हुआ. तो मैंने जैसे शॉर्ट्स वगैरह डालती थी घर में, गर्मी थी तो लेग्स पेन होने स्टार्ट हो गई. तो फिर पजामाज हैं, लेकिन न्यू लेने हैं मुझे, देखती हूँ कौन से अच्छे से स्टाइल्स क्या आ रहे हैं. तो यस, मैं जाऊंगी आज मार्केट, एंड उससे पहले फटाफट से लंच बना लेती हूँ, देन जहाँ जाऊंगी आपको मिलूंगी और दिखा दूंगी क्या क्या मैंने लिया है, घर आके बता दूंगी वो. तो यस गाइज, मिलती हूँ बाद में मैं, अभी लंच बना लेती हूँ और थोड़ा सा क्लीनिंग करनी है वो कर लेती हूँ, देन आपसे मिलती हूँ मैं बाद में. 5 o'clock घर आ गई थी, क्योंकि सच में मतलब जाना बेकार ही हुआ यार, कुछ मिला ही नहीं, मतलब नाइट पजामा से नहीं है यार, मतलब वो टॉप भी कुछ अच्छा सा, टॉप्स भी नहीं, मतलब कुछ ऐसे स्टाइलिश टॉप ऐसा कुछ था ही नहीं.
हर जगह घूमी हूँ यार, कुछ पता नहीं, कुछ मिला नहीं। ऐसा होता है ना कभी जाके हमें जाते ही पसंद आया था, और कभी मतलब 1 घंटा तुम लगा दो, 1 घंटा घूमते रहो वहां पर, टाइम लगा दो लेकिन कुछ नहीं मिलता। यू इमेजिन लाइक, देखो एक ये पजामा मिला मुझे जस्ट एक, इतनी देर घूमने के बाद भी ये मिला मुझे, बताओ। मतलब मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा है, वेस्ट हुआ मेरा जाना भी वहां पर। और ये है 300 का, बस एक ही मिला मुझे, और कुछ था ही नहीं। और वो थे वो दूसरे कपड़े के थे, लाइक वो कॉटन ही अभी चलेगा ना, तो दूसरे कपड़े के सिल्क, क्या वो होते हैं ना सिल्क टाइप के कुछ तो होते हैं ना, क्या होता है सैटिन के, ये अच्छे लगेंगे, वो फिर गर्मी लगेगी उसमें। तो यस जी, मज़ा नहीं आया आज आज जाने में, विल सी। तो यस गाइस, यही था इस छोटे से वीडियो में, आपको कैसा लगा बताना, एंड बताओ मेरा हेयर कल लग रहा है क्या, क्योंकि सेटिंग वेटिंग पता है मैंने नहीं कराई। सेटिंग मैंने क्यों नहीं कराई थी, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी। सेटिंग मैंने उसको बोला है एक दिन आके मैं कुछ कर्ल्स ऐसा कुछ कराऊंगी, तो फिर आपको वो लुक भी दिखेगा आपको। गाइज तो इस वीडियो में इतना ही, शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज रितिका शाइन। बने रहिए मेरे साथ, बाय बाय गाइज, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।